नमस्कार दोस्तों, बताना चाहता हूँ कुछ ज़्यादा मतलब टाइम नहीं खर्च करके मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ। दो पद्धतियाँ मानी गई हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत में, विष्णु दिगंबर पद्धति और भातखंडे पद्धति। दोस्तों ये पद्धतियों के बारे में बात करना ज़रूरी इसलिए भी होता है क्योंकि हम जब म्यूज़िक एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें हमें लिखना पड़ता है जीवनी में आप कौन सी पद्धति उससे सीखे, विष्णु दिगंबर या भातखंडे पद्धति। तो दोस्तों आपने इसके अंदर देखा भी होगा कि भातखंडे पद्धति और विष्णु दिगंबर पद्धति में बहुत डिफरेंट मानक है। डिफरेंट अगर मैं आपको बोलूं तो डिफरेंट मात्राओं का है, साइन अप है उसके अंदर, बहुत अलग अलग बंदिशों के अंदर एक अलग अलग इफेक्ट है, विभागों का इफेक्ट है स्वरों को लिखने का, 12 स्वरों का एक अलग अलग तरीका दे रखा है भातखंडे पद्धति में अलग और विष्णु दिगंबर पद्धति में अलग। तो दोस्तों विष्णु दिगंबर पद्धति जो है वो थोड़ी सी टफ मानी गई है और वहीं भातखंडे पद्धति थोड़ी सी आसान मानी गई है। दोनों पद्धतियों में बहुत अच्छा डिफरेंट है और बहुत सुंदर इफेक्ट है जो आप समझना आपके लिए बहुत अनिवार्य हो कि जिस तरीके से हम भारतीय शास्त्रीय संगीत में विष्णु दिगंबर पद्धति में स्वर के नीचे हलंत लगाते हैं तो वहीं भातखंडे पद्धति में हम डैश लगाएंगे। ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंट हैं जो विष्णु दिगंबर पद्धति में और भातखंडे पद्धति में अलग अलग मानेंगे। हम विष्णु दिगंबर पद्धति में एक विभाग बनाते हैं बंदिश के बीच में एक खाली और ताली का इफेक्ट में, तो वहीं भातखंडे पद्धति में चार विभाग बनाए जाते हैं। तीन ताल का अगर इफेक्ट लेके चले तो चार विभाग बनाएंगे। विष्णु दिगंबर पद्धति में ताल जब हम लिखते हैं तो पूरी सीधी लिखते हैं, उसमें कोई विभाग नहीं होता, वहीं भातखंडे पद्धति में विभाग माना जाता है। मूर की गरारी के भी सैनफ उनके अंदर अलग अलग होते हैं, आधी मात्रा और पूरी मात्रा और 1/4 का भी इफेक्ट भी उसमें अलग अलग माना गया है। ये शास्त्रीय संगीत है तो एक ही मगर दो पद्धतियों में बटा गया है, बाकी आप सा गए तो दोनों में एक जैसा लगता है। साइन अप की बात कर रहा हूं मैं, साइन अप थोड़े अलग अलग है, साइन अलग अलग है इनसे। दोस्तों आपने इन चीजों के ऊपर बड़ा गौर करना है क्योंकि इसी से राग का चलन मालूम पड़ेगा आपको कैसे गाया जाता है। ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं, बहुत संस्थाएं ऐसी हैं जो भातखंडे पद्धति में ही सिखाते हैं और ऐसी बहुत कम संस्थाएं हैं जो विष्णु दिगंबर में सिखाते हैं। और दोस्तों थोड़ा सा और नज़र मैं आपको कर दूं कि मैं भी आपको विष्णु दिगंबर में ही सिखा रहा हूं, भातखंडे में नहीं, और भातखंडे का भी आपने इसी की तरह प्रयोग करना है। विष्णु दिगंबर पद्धति थोड़ी सी टफ मानी गई है, विष्णु दिगंबर पद्धति थोड़ी टफ मानी गई है, थोड़ी सी उसको आगे करने में नियम बहुत सारे अप्लाई होते हैं, तो वहीं भातखंडे पद्धति में थोड़ी सी रियायत होती है, थोड़ा आसान तरीका सरल तरीका होता है। गायकी के नोटेशन से लेकर स्वर हुए इफेक्ट से लेकर और तालों तक दोनों पद्धतियों में बहुत अलग अलग समानताएं होती हैं। मैं आपको अपनी अगली क्लास में इसमें जुड़ी भी कई अच्छी और जानकारियां बताऊंगा जो राइटिंग में भी होंगे और जबानी भी होंगी।